ये जो 1.5 महीने या 2 महीने अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का जो गैप है कि आप किताबें छान मारो। आपने देखा कि 5 दिन हमने पढ़ाई की, पूरे संडे वाले दिन हम मस्ती करते हैं। बट हाँ, जब मस्ती करो तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, और जब पढ़ाई करो तो फिर मस्ती की तरफ ध्यान दे। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल खड़ा है, मैं किसी का नीचे नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बट बहुत सारे IITian से ज्यादा कमा रहा हूँ आजकल, बहुत सारे IITian से लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है मेरा। That doesn't mean कि वो IITian बने तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड खराब, कुछ नहीं है ये कोई गुत्थी सुलझा ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में कब क्या होगा, ये गुत्थी कोई सुलझा नहीं सकता, इसी को तो लाइफ बोलते हैं। तुम्हें यहाँ देखकर एक पिक्चर दिख रही है कि IITian बन गए तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं बने तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये कौन बोल के चला गया, किसने बोला, और किसी ने अगर बोला भी है और तुम्हारे नजरों में वो समझदार व्यक्ति है तो उसकी बात को तुरंत काटा लगा दो। एक टारगेट की तरफ हम लोग मेहनत करते हुए बढ़ रहे हैं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सर क्या दिक्कत है। IITian अच्छी पोजिशन पे पहुंचते हैं, एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ध्यान सुनना, जो सब अच्छी पोजीशन पे पहुंचे सब IITian है, नहीं, कई लोग तो सर प्रॉपरली ग्रेजुएटेड ही नहीं है, कई लोग तो प्रॉपरली ग्रेजुएटेड ही नहीं है। लाइफ आपको किस मोड पे ले जाएगी, क्या दिखाएगी। कॉलेज में आप इंजीनियर बनने जाते हो, वहां से निकलते हो तब आप एक टीचर बन जाते हो। कॉलेज में आप इंजीनियर बनने जाते हो, वहां से निकलने जाते हो आप अपना एक बैंड खोल देते हो। कॉलेज में आप इंजीनियर बनने जाते हो, वहां निकलते हो बाहर अपनी एक कंपनी खोल देते हो। तो इन सब बातों पे आप रिलाई कीजिए। इतना ही बोल रहा हूँ, बड़े भाई की तरह तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, तो ऐसा नहीं है कि IITian बन गए या अच्छा कमाने लग गए तब जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। मैंने बहुत पहले भी एक सेमिनार में ये बात बोली थी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आज से 10 साल बाद में जब मैं आपसे मिलूंगा उस वक्त भी आप इतने ही परेशान होंगे, उस वक्त भी आपकी जिंदगी इतनी डिफिकल्ट चल रही होगी, और आप अपने पुराने टाइम को याद करके ये बोलोगे सर वो जो आप 10 साल पहले जब आप हमें पढ़ाते थे, मैं और बूढ़ा हो चुका होगा, तुम थोड़े और जवान हो चुके होंगे, तुम यही मुझे बोलोगे, यही लाइफ है, सच बोल रहा हूँ एकदम। ये बोलोगे सर वो जो प्रिपरेशन को हम इतना हवा दे रहे थे ना, इतना दिमाग पे चढ़ाए बैठे थे, वो तो कुछ भी नहीं है सर, अभी जो जिंदगी में परेशानी चल रही है वो सबसे कठिन है, और उसके 10 साल बाद में फिर तुम ये बोलोगे कि वो जो 10 साल पहले थी वो कुछ नहीं अब ये है। तो मतलब हम जिस एरा में जिस टाइम में हम जी रहे होते हैं हमें अपनी लाइफ सबसे डिफिकल्ट उसी एरा की लगती है, और ये सबके साथ है, जो बाहर आके आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, चलने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तमाम सुख सुविधाएं हैं, उनके साथ भी ये है। ये सीख सकते हो कि घर पे चाहे कितनी भी समस्याएं चल रही हो, चाहे जिंदगी में कुछ भी नफा नुकसान जिसको हम बोलते हैं समस्याएं चल रही हो, सर आप यहाँ आके पढ़ाते हो, वो सारे जोक क्रैक करते हो, वो सारी बातें हमें हंसाने की कोशिश, समझाने की कोशिश रिपीटेडली, कभी कभी डराते भी हो, धमकाते भी हो, डांटते भी हो, सब करते हो, बट आप पढ़ाते हो। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है दैट डजंट मैटर, आप अपना कर्म करते रहिए, एंड पीछे भगवान कृष्ण की फोटो लगी हुई है, इन्होंने तो बोला ही है, सबसे बड़ी सीख ही ये दी है कि कर्म ही सबसे बड़ा है, तब अपना काम करते रहिए, रिलैक्स। तुम बोल रहे हो सर आपसे हमने और भी चीजें सीखी, एटीट्यूड एक जो आपने सीखा होगा 100% वो ये है रिलैक्स। हमारे दिमाग पे सर ना चाहते हुए कोई चढ़ नहीं सकता जब तक हम चाहे ना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। दिल चीर के दिखा सकता तो जरूर दिखाता, उसमें आप लोगों के ही छोटे छोटे नाम छपे होते। पढ़ाई करते रहिए, किसी भी चीज को दिमाग पे हावी ना होने दें। जिस एज में आप हैं उस एज में आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल सूट करती है। ये जो 1.5 महीने या 2 महीने अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का जो गैप है कि आप किताबें छान मारो। आपने देखा कि 5 दिन हमने पढ़ाई की और 2 दिन हमने सर मस्ती कर लिया, पूरे संडे वाले दिन हम मस्ती करते हैं, दैट इज अलाउड, किसने मना किया। बट हाँ, जब मस्ती करो तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, और जब पढ़ाई करो तो फिर मस्ती की तरफ ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि दोस्त का फोन आ गया अब चला जाता हूँ संडे वाले दिन पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं है, एक रूटीन बनाओ उसको फॉलो कीजिए। और बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा इसको इतना सीरियसली लेकर बैठ गया हो, कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये वो टाइम है जहां पर अगर आपकी 11th बर्बाद भी है तब भी आप उसको इंप्रोवाइज करके अपने आप को रिपेयर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें तो खेल बदला जा सकता है।